यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और ब्लॉग में। दोस्तों आज आप सोचोगे आज इरफान भाई आपको कहाँ लेके आ गए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे डीलर के पास लेके आया हूँ जहाँ पे हम पहले भी ब्लॉग बना चुके हैं। तो आज हम आ गए हैं कार जाइंट पे, जैसे कि आप देखते हैं। तो इनके पास हमेशा की तरह स्टॉक में बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो आज हम आपके लिए आए हैं इनके पास इनकी गाड़ियों का स्टॉक दिखाने। तो यहाँ पर हम चलाएंगे इनकी डीलरशिप पे, अपने चैनल पे इनकी गाड़ियों की सीरीज़, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है दोस्तों उस पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले टाइम में जब जब मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों आज का जो स्पेशल शाउट आउट है, आज का स्पेशल शाउट आउट जाता है उस इंसान को जिसने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट किया। तो स्पेशल शाउट आउट गोज़ टू अमित कुमार। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आपको लेके चलता हूँ अंदर और मिलवाता हूँ यहाँ की मैनेजर से, जसमीत से, और देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ इनके पास खड़ी हुई हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। अरे ये लीजिए, ये तो यहीं पे ही मिलेगी जसमीत। जसमीत क्या हाल चाल, कैसे हो आप? सारे भाइयों को हेलो कर दो एक बार। हेलो फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, आज दोबारा से कार जाइंट पे हम आ गए हैं आपके लिए शूट करने के लिए। जसमीत आपको पता है स्टॉक दोबारा से अपडेट हुआ है। बिल्कुल। तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या क्या स्टॉक आया है ये बताएं पहले। तो मेरे पास बहुत सारा स्टॉक आया है। जी जो स्टॉक लास्ट टाइम हमने अपडेट किया था वो सारा तो हमने निकाल दिया। बिल्कुल। तो भैया यहाँ पे हम चलाएंगे सिंगल सिंगल गाड़ियों का शूट अपने चैनल पे, क्योंकि जिसमें पिछली बार हमने चलाई थी डीलरशिप की वीडियो, अब हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको एक एक गाड़ी की अच्छे तरीके से नॉलेज देते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, गाड़ी चलने में कैसी है, और गाड़ी के क्या प्राइस है। Sure. तो सिंगल सिंगल गाड़ी को करेंगे शूट। तो आज सबसे पहले आप ही बताएं कि किस गाड़ी से शुरुआत करनी है, हमें बताएं। मैं नहीं बता रही, आप खुद ही डिसाइड करिए। क्या कहते हो दोस्तों, मर्सिडीज करें, बीएमडब्ल्यू करें, क्योंकि आज करनी तो सारी है, करनी तो सारी है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ मर्सिडीज से करें फिर। मर्सिडीज से कर लेते हैं। तो भैया पहले करते हैं मर्सिडीज। आप सबसे पहले ये देखो मर्सिडीज। अब ये जो मर्सिडीज है, अब इस मर्सिडीज की पहले थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। अब लग्जरी ब्रांड्स का ऐसा होता है जसमीत कि बताना बहुत मुश्किल होता है कि क्या मॉडल है। अब सबसे पहले आप ये बताओ कि ये कौन सी मर्सिडीज है। दिस इज मर्सिडीज C250 अवंतगार्ड 2011 मॉडल। 11 मॉडल। यस। अब 11 मॉडल के हिसाब से तो बहुत सारे साल हो गए हैं, बट फिर भी कंडीशन A1 है, यानी अब आप बाहर से इसकी प्रोफाइल देखो गाड़ी की कितनी वेल मेंटेन कंडीशन में खड़ी हुई है। अच्छा, इसके अंदर जसमीत ये C250 है, इसके अंदर कुछ आफ्टर मार्केट हुआ है या नहीं हुआ? गाड़ी रिकॉर्ड्स के साथ चली है। ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2011 C250 अवंतगार्ड मॉडल है। ओके। पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट है। ओके। जिनकी ये गाड़ी थी उन्होंने गाड़ी बहुत संभाल कर रखी है। ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, हमारे पास लेस ड्रिवन गाड़ी होती है। वेरी गुड। ये भी लेस ड्रिवन है, बट 50 से कम ही चली है। इट्स ड्रिवन जस्ट 45,000 किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड। और मर्क की गाड़ियाँ हो, लग्जरी गाड़ियाँ हो, 2.5-3 लाख तक कहीं नहीं जाती है मर्क की गाड़ियाँ। तो भैया 2.5-3 लाख तक कहीं नहीं जाती है, बहुत सही बात करी है। और ये मर्सिडीज़ तो एक ऐसा ब्रांड है तो जो लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में आए, क्योंकि मर्सिडीज छोटा मोटा ब्रांड है नहीं। बिल्कुल। तो इसकी पूरी डिटेल जानी है, अंदर से देखेंगे कि क्या क्या फीचर ये गाड़ी दे रही है, क्योंकि गाड़ी लोडेड है अंदर से भी। बिल्कुल है, बिल्कुल फुली लोडेड है। फुली लोडेड है। और ये गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, इस बात की भी गारंटी देंगे आप? पूरी गारंटी है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल होता है कि प्री ओन्ड कार्स में जो बेच रहे हैं वो शायद एक्सीडेंटल गाड़ियों में रखते हैं, बट आपकी डीलरशिप पे आप इसके बारे में क्या जवाब देना चाहेंगे? लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था मैंने गाइस कि हमारे पास एक्सीडेंटल और मिड डैम्पर्ड गाड़ियां नहीं होती है। ओके जी। हम अपनी बात के बिल्कुल पक्के हैं। ओके। आप आइए हमसे गाड़ियां परचेज कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देते हैं इंटरनली। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि लग्जरी का मजा फिर बाहर से ज्यादा अंदर से होता है। बैठे फिर, चाबी ले आओ, फिर बैठते अंदर आ जाओ। ओके दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं इस C250 गाड़ी के अंदर। 2011 मॉडल आपने बताया, बट इसके अंदर वैसे क्या क्या चीज़ों से लोडेड है, क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारी ऑडियंस को? श्योर, मैं एक्सप्लेन करूंगी। फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है। ठीक है जी। ऑटोमेटिक कंट्रोल्स आप देख सकते हैं इधर। ऑटोमेटिक एसी है। ठीक है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं प्रॉपर। वेरी गुड जी। म्यूजिक सिस्टम डिस्प्ले वाला है 5 इंच की। ठीक है। इसमें आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप इसमें एसी की एडजस्टमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। क्लाइमेट कंट्रोल एसी, ग्लोव वर्क दिया हुआ है। प्लस सबसे बड़ा फीचर ये है कि
घर में तो आपको लॉकर मिलते नहीं है, गाड़ी में आपको लॉकर मिल रहा है। सो आप ये देखिए, ये बहुत यूनिक चीज़ है। वैसे हर किसी के डैशबोर्ड के अंदर ये लॉकर नहीं होता हर गाड़ी के अंदर, बट इसके अंदर मिल रहा है। अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, अगर आप गाड़ी छोड़ के पार्किंग में जा रहे हैं तो आप लॉक करके जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। प्लस और क्या, आप अपने राइट साइड पे देखिए प्रॉपर सीट की हाइट एडजस्टमेंट, सीटिंग, फिर वही अपनी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, मेमोरी सीट्स, आपके भाई को कितनी ज्यादा पसंद है। अपना सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर, पैनोरामिक ग्लास टॉप सनरूफ, ग्लास टॉप सनरूफ है, और जबरदस्त। लग्जरी गाड़ियों में सनरूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, right. वो क्या कहते हैं, किसी ने पैसे खर्चे हैं तो वो पूरे वसूल होने चाहिए। बिल्कुल। और इस गाड़ी में होंगे पैसे वसूल? बिल्कुल होंगे जी। वैसे अगर बात करें इसकी, इसमें लिखा है 260, क्या कहते हो, ये 240 तो चली जाती होगी, इतनी तो पावर होती होंगी इन गाड़ियों में। देख लो अगर आप संभाल पाओ 240। वैसे संभाल अगर आप पाओगे तो आप खींच लोगे इस गाड़ी को, क्योंकि 2011 के हिसाब से भी आज भी गाड़ी चलने में दिक्कत नहीं देती होगी। क्या कहते हो, ये गाड़ी वैसे पेट्रोल है डीजल है? ये डीजल गाड़ी है सर। डीजल गाड़ी है भाई, डीजल में ही है ये गाड़ी। वैसे हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है ना, वो ये भी सवाल करते हैं जसमीत कि गाड़ी तो हम परचेस कर लेंगे, लग्जरी ब्रांड भी ले लेंगे, बट क्या ये एवरेज का आप एक आइडिया दे सकते हैं कि अप्रॉक्स ये माइलेज कितना निकाल देगी? क्या कहते हो, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, हाँ जी, सिटी में अगर आप एवरेज मांगो, हाँ जी, तो पॉसिबल ही नहीं है दिल्ली जैसी जगह में स्पेशली। ब्रेकिंग, 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 सही है, सही ब्रेकिंग, बिल्कुल ठीक है। अगर आप हाईवे पे जाते हो, हाँ, एवरेज टेस्टिंग करना आपके अपने हाथ में, जब आप फ्यूल टैंक फुल करवाते हो ठीक है, उसके बाद आप एसी पे और विदाउट एसी पिकअप का और माइलेज टेस्टिंग कर सकते हो, आपकी एवरेज इजीली आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर मैं सिटी में बात करूँ इन गाड़ियों की एवरेज की, तो 10 to 11 नॉर्मल सिटी में देती थी। पक्की बात है? 102%। वादा जी वादा, पक्का भैया, पक्का वादा कर दिया है जसमीत ने। ये देगी 10 की एवरेज सिटी में, हाईवे पे तो दे देगी 12-13। हाईवे पे तो खींचे आप, पंजाब जाना है हमने, चलते अमृतसर जाना है अपा लेके गड्डी, तो लेगी एवरेज 10 से ऊपर। तो अब स्पेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है गाड़ी का, तो अब पीछे बैठते हैं, थोड़ा सा स्पेस बताते हैं हमारे व्यूअर्स को, और फिर प्राइस डिस्क्लोज करते हैं। तो आइए पीछे आइए अब। ओके दोस्तों, तो अब जसमीत के साथ हम इस C250 के पीछे बैठे हैं, क्योंकि हम जा रहे थे पंजाब वैसे घूमने के लिए, लेकिन हमारा ड्राइवर गायब हो गया। लेकिन फिर भी अगर बात करें पीछे के स्पेस की भी, सिटिंग में पीछे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रैवलिंग पर, दूर की ट्रैवलिंग पर जा रहे हो, हाँ जी, देखो आर्मरेस्ट दिया हुआ है, इतना बढ़िया, आराम से बैठो, सीट पीछे करके सो जाओ, क्या फर्क पड़ेगा भाई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे एयर एसी वेंट्स दिए हुए हैं प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल, एसी की प्रॉपर कूलिंग पीछे भी आती है। उसके बाद आप इसमें अपना सामान भी रख सकते हैं, वेरी गुड, कुछ भी। ये देखिए, ये देखिए असली मुद्दा ये है, अपना रास्ते में जा रहे हैं तो भाई बनते ही बनते हैं दो ग्लास साथ में अपने, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्योंकि गर्मियाँ बहुत आ गई, आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीने जरूरी है, क्योंकि वरना तो आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तो ये उसका काम करते हैं। और अपने ड्रिंक का ग्लास, अपना सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, नॉट लाइक वाली ड्रिंक। तो बात करते हैं, देखो सारी गेम अटकती है पैसे पे। बिल्कुल। इंसान गाड़ी देखता है, मॉडल देखता है, कंडीशन देखता है। ये गाड़ी ऑन रिकॉर्ड चली है, नॉन एक्सीडेंटल है, ठीक है, 2011 मॉडल है, डीजल में गाड़ी है, और गाड़ी है C250। अब बिना किसी देरी के इसका प्राइस डिस्क्लोज कर दो, क्या कहते हो, क्या होने वाला? आप बताइए क्या होना चाहिए। आपको मिस्टर, मैंने पूरी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन दी है। हमारे साथ एक ऐसे टैलेंटेड इंसान है जो हमारे बिहाइंड द कैमरा रहते हैं, मिस्टर व्यास, आप हेलो भी कर सकते हैं उन्हें। हेलो मिस्टर व्यास। मिस्टर व्यास, आप ही गेस करके बताएं कि इसका प्राइस क्या होने वाला है? नहीं कितने की? हाँ नहीं तो बता दो, वैसे अप्रॉक्स बता दो कितने की गाड़ी आप, जो मार्केट में इसका प्राइस है स्टार्टिंग है 44 लाख से। ले जी 40 की रेंज में पकड़ ले तू गाड़ी को, अप्रॉक्स बता दिया तेरे को। हाफ कह रहा है हमारा भाई, मतलब ये कह रहा है कि 20 के अकॉर्डिंग, 20 की रेंज में कह रहा है इस गाड़ी को, क्या कहते हो कितने में देनी है? कितने में देनी है आप बताओ, आपको कितने की समझ में आती है? हम तो अपने व्यूअर्स के लिए ढूंढ रहे हैं गाड़ी, अच्छी गाड़ी दिलवानी है, और ऐसे पैसों में दिलवानी है कि चुभे भी ना पैसे। अभी तक तो मैंने सबको अच्छी गाड़ी दी है। क्या बोलते अभी हो? अभी तक तो किसी को मैंने बेकार गाड़ी नहीं दी। लेकिन ये वो कस्टमर नहीं है, ये माय कंट्री माय राइड की फैमिली है जो आती है। माय कंट्री माय राइड की फैमिली मेरी भी फैमिली है। सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोल देना, सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल। आप प्राइस बताएं। इसका प्राइस आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 14 लाख रुपीज़। 14 लाख नेगोशिएबल है? बिल्कुल है जी, 14 लाख रुपए की डील है जी ये मर्सिडीज की, और बिल्कुल ही वेल मेंटेन कंडीशन में खड़ी है। तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन कार जाइंट की दी हुई है, तो आए विजिट करें और डील को क्रैक करें। और अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हैं तो इस गाड़ी की NOC भी दे देंगे, राइट,
है ना, मतलब पासिंग वगैरह अगर कोई अदर स्टेट से आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन के मामले में इस गाड़ी पे लोन हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आप फाइनेंस भी करवाना चाहते हैं गाड़ी, तो आपकी फाइनेंस भी हो जाएगी, और जो फैसिलिटीज़ है गाड़ी के रिगार्डिंग, जो भी फैसिलिटीज होती है वो सारी ऑन टेबल यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ऑन टेबल है जी, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे धक्के खाने की जरूरत ना ही गाड़ी नाम करवानी है तब भी। धक्के खा लो और फिर कार जॉइंट पे आ जाओ, लेकिन गाड़ी की डील है बहुत बढ़िया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे मिलूंगा कल ठीक 10 बजे, क्योंकि आपको पता है अपनी सीरीज शुरू होगी है कार जॉइंट की। Right. तो कल हम मिलेंगे 10 बजे ठीक जसमीत के साथ, और आपको दिखाएंगे इनकी और गाड़ियों का स्टॉक। तो टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग माय कंट्री माय राइट, सी ऑफ, और एक बार बाय जरूर कर दो। बाय बाय गाइस।